दोस्तों, यदि आप लोग भी भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन के माध्यम से भारत के साथ ही नेपाल के प्रमुख साइट सीइंग प्लेसेज को विजिट करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए IRCTC लेकर आया एक शानदार टूर पैकेज। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, IRCTC के इस टूर पैकेज का नाम भारत नेपाल मैत्री यात्रा है। 9 रात और 10 दिन वाले इस टूर पैकेज की टूर डेट है 20 सितम्बर 2024। दोस्तों, इस टूर पैकेज के माध्यम से सबसे पहले आप लोग अयोध्या में राम जन्मभूमि टेम्पल, हनुमान गढ़ी, राम की पैड़ी यानी कि सरयू घाट को विजिट करेंगे, और वाराणसी में आप लोग तुलसी मानस मंदिर, संकट मोचन मंदिर, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर और यहां की फेमस गंगा आरती को विजिट करेंगे। इसके बाद आप लोग सीतामढ़ी में जानकी मंदिर और पुनौरा धाम को विजिट करेंगे। अब नेपाल की बात करते हैं, तो नेपाल में आप लोग जनकपुर में सबसे पहले जानकी मंदिर, सीताराम विवाह मंडपम, धनुष धाम और परशुराम कुंड को विजिट करेंगे। इसके बाद आप लोग काठमांडू में पशुपतिनाथ टेम्पल, बौद्धनाथ स्तूप, पाटन दरबार स्क्वायर और बुद्ध नीलकंठ यानी कि स्लीपिंग लॉर्ड विष्णु को विजिट करेंगे। इसके बाद आप लोग पोखरा जाते समय मनकामना टेम्पल को विजिट करेंगे। पोखरा में आप लोग बिंदवासिनी मंदिर, डेविल्स फॉल और गुप्तेश्वर महादेव केव को विजिट करेंगे। अब बात करते हैं कि इस टूर पैकेज में आप लोगों को कौन कौन सी सुविधाएं मिलने वाली है। तो आप लोगों की ट्रेन जर्नी भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन के माध्यम से रेस्पेक्टिव क्लास में होगी। अब बात करते हैं एकोमोडेशन की, तो 5 नाइट स्टे करने के लिए आप लोगों को जनकपुर, काठमांडू और पोखरा में होटल में फैसिलिटी मिलेगी। यदि आप लोग फर्स्ट एसी और सेकंड एसी क्लास का पैकेज लेते हैं, तो आप लोगों को डीलक्स कैटेगरी के एसी होटल में ठहराया जाएगा। यदि आप लोग थर्ड एसी क्लास वाला पैकेज लेते हैं, तो आप लोगों को बजट कैटेगरी के एसी होटल में ठहराया जाएगा। 4 नाइट स्टे करेंगे आप लोग रेस्पेक्टिव रेल कोच में ओवरनाइट ट्रेन जर्नी के दौरान। खाने पीने की बात करें, तो आप लोगों को ऑन बोर्ड ट्रेन मील्स में केवल वेज फूड प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें आप लोगों को मॉर्निंग ट्री, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर सर्व किया जाएगा। ऑफ बोर्ड मील्स में भी आप लोगों को केवल वेज फूड प्रोवाइड किए जाएंगे, गुड क्वालिटी के रेस्टोरेंट, होटल या बैंक्वेट में। आप लोगों के सारे ट्रांसफर और साइट सीइंग एसी बसेज या टेम्पो ट्रेवलर्स के माध्यम से होंगे। इस टूर पैकेज में मोनूमेंट एंट्रेंस और लोकल गाइड की सर्विस भी शामिल है। इस टूर पैकेज में पैसेंजर का ट्रेवल इंश्योरेंस रहेगा। आप लोगों को टूर के दौरान आवश्यक सहायता के लिए IRCTC टूर मैनेजर की सर्विस मिलेगी, ट्रेन में सिक्योरिटी की सर्विस मिलेगी और सभी अप्लीकेबल टैक्स शामिल हैं। आप लोगों के जो बोर्डिंग स्टेशन होने वाले हैं, वह हैं दिल्ली सफदरजंग, गाजियाबाद, टुंडला, अलीगढ़, एटवा और कानपुर। डी बोर्डिंग स्टेशन में वीरांगना लक्ष्मीबाई, झांसी जंक्शन, ग्वालियर, आगरा कैंट, मथुरा जंक्शन, दिल्ली सफदरजंग। दोस्तों, यदि आप लोग भी इस टूर पैकेज को बुक करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन पर इस पैकेज का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप लोग इस पैकेज को स्वयं बड़े आराम से बुक कर सकते हैं। आप लोगों की हेल्प के लिए कांटेक्ट नंबर दिए गए हैं। अब बात करते हैं कि इस टूर पैकेज में आप लोगों का कितना खर्च होने वाला है। तो यदि आप लोग फर्स्ट एसी कूप वाला पैकेज लेते हैं, तो डबल सेयर पर पर्सन चार्ज है 99,640 रुपये। यदि आप लोग फर्स्ट एसी केबिन वाला पैकेज लेते हैं, तो सिंगल सेयर पर पर्सन चार्ज है 1,05,500 रुपये। डबल सेयर पर पर्सन चार्ज है 89,885 रुपये। ट्रिपल सेयर पर पर्सन चार्ज है 87,655 रुपये। चाइल्ड बेड के साथ 82,295 रुपये। और यदि आप लोग सेकेंड एसी वाला पैकेज लेते हैं, तो सिंगल सेयर पर पर्सन चार्ज है 94,735। डबल सेयर पर पर्सन चार्ज है 79,120। ट्रिपल सेयर पर पर्सन चार्ज है 76,890। चाइल्ड बेड के साथ 71,535। और यदि आप लोग थर्ड एसी वाला पैकेज लेते हैं, तो सिंगल सेयर पर पर्सन चार्ज है 81,530 रुपये। डबल सेयर पर पर्सन चार्ज है 66,650 रुपये। ट्रिपल सेयर पर पर्सन चार्ज है 64,525 रुपये। चाइल्ड बेड के साथ 60,900 रुपये। तो दोस्तों, ये थी इस टूर पैकेज की महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कुछ तो मिला चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, इस पैकेज में आप लोगों को जो भी अच्छा लगा हो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टूर पैकेज में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।